नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। लॉकडाउन को लेकर कैबिनेट सचिव ने की बैठक। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने तबाह हो चुके 13 शहरों के नगर निगम आयुक्तों और जिला मजिस्ट्रेटों के साथ बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में राज्यों के मुख्य सचिव एवं स्वास्थ्य सचिव ने भी भाग लिया। यह बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 13 शहर देश में सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं और देश में संक्रमण के कुल मामलों में से 70% मामले इन्हीं शहरों में सामने आए हैं। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि घर घर जाकर संदिग्ध का पता लगाने, व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने, बफर जोन में निगरानी रखने तथा सांस की बीमारी संबंधी मरीजों का पता लगाने इत्यादि संक्रिय मामले में प्रोटोकॉल का जिक्र किया गया। झारखंड मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक गर्मी से राहत मिलेगी। कई जिलों का तापमान में 3 से 4 डिग्री तक गिरावट रहेगा। मौसम पूर्वानुमान में बताया गया कि 2 जून तक कई जिलों में बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। बीते दिन पलामू में हो रहे बारिश के कारण गर्मी से कुछ राहत मिली है। पारा शिक्षकों को 2 माह से नहीं मिला मानदेय। पारा शिक्षकों को 2 माह से मानदेय नहीं मिलने से उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है। पारा शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष ने बताया कि सरकार बनने से पूर्व राज्य के पारा शिक्षकों को नई सरकार से काफ़ी उम्मीदें थी। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया था कि सरकार बनते ही 3 महीने के अंदर राज्य के पारा शिक्षकों को अस्थायीकरण करते हुए वेतनमान दिया जाएगा, परंतु इस पर कोई पहल नहीं होना सरकार की उदासीनता का परिचायक है। राज्य सरकार को पारा शिक्षकों को सभी प्रकार का बकाया मानदेय अविलंब भुगतान करना चाहिए। झारखंड में आज 18 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई, जो रांची से 5, जमशेदपुर से 6, बोकारो से 3, गुमला से 2, गढ़वा से 2 हैं। झारखंड में कुल संक्रमितों की संख्या 458 से बढ़कर 476 हो गई, जबकि 191 लोग स्वस्थ हुए और 6 की मृत्यु हो गई। भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 165,386 है, जबकि 70,920 लोग स्वस्थ हुए और 4711 की मृत्यु हो गई। पंचायतों में प्रतिदिन कम से कम 100 लोगों को रोजगार देंगे बीडीओ बीपीओ, नहीं तो होगी कार्रवाई। राज्य के सभी पंचायतों को बीडीओ और बीपीओ को निर्देश दिया गया है कि मजदूरों को सही तरीके से रोजगार नहीं मिलने पर उनके वेतन या मानदेय को रोक दिया जाएगा। हर पंचायत में कम से कम 100 मजदूरों को हर दिन रोजगार देना आवश्यक है। अगर उन्हें रोजगार नहीं दिया गया तो स्थिति ठीक नहीं होगी। इस वजह से मामले को गंभीरता से लेते हुए ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों को रोजगार देने का निर्णय लिया गया है। निजी स्कूल फीस मामले में मंत्री का झलका दर्द, बोले मेरा मंत्री होना बेकार। निजी स्कूल फीस माफ करने को लेकर स्कूल के प्राचार्यों के साथ शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की बुधवार को हुई बैठक बेनतीजा रही। मंत्री ने बोले कि मेरा मंत्री बनना बेकार है, मैं निजी स्कूल को लॉकडाउन के दौरान ट्यूशन फीस नहीं लेने की बात कही पर बेफिक्र होकर स्कूल फीस ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि मानवता के आधार पर निजी स्कूलों को शुल्क नहीं लेने की अपील की थी, लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि निजी स्कूलों ने उनकी अपील ठुकरा दिया। हालांकि स्कूलों ने बस फीस माफ करने की बात कही है। झारखंड लौट रहे प्रवासियों के लिए 10 लाख जॉब कार्ड तैयार। झारखंड लौट रहे लाखों की संख्या में आने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार उपलब्ध कराना एक चुनौती है। हेमंत सरकार ने इस चुनौती का अवसर में बदलने में लगी है और मनरेगा से जोड़ने की योजना पर तैयार है। राज्य सरकार ने 10 लाख जॉब कार्ड बनाकर तैयार किया है। झारखंड लौट रहे प्रवासी श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराना पहली प्राथमिकता है। मनरेगा के तहत एक परिवार को साल में 100 दिन काम मुहैया कराना होगा। यदि काम नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। TET 2013 के प्रमाण पत्र की मान्यता समाप्त। शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष 2013 के प्रमाण पत्र की मान्यता गुरुवार को ही समाप्त हो गई। वर्ष 2013 की परीक्षा में 66,364 अभ्यर्थी सफल हुए थे, जिसमें से 16,000 की नियुक्ति की गई थी। झारखंड प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार महतो ने प्रमाण पत्र की मान्यता बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगली नियुक्ति होने तक प्रमाण पत्र की मान्यता बढ़ा दी जाए। चाईबासा में पुलिस नक्सली मुठभेड़, 3 उग्रवादी ढेर। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला के चाईबासा पुलिस ने PLFI के 3 उग्रवादी को मार गिराया है। इस मुठभेड़ में PLFI के 1 उग्रवादी घायल और 1 गिरफ्तार हुआ है। पुलिस और CRPF की संयुक्त टीम ने मिलकर PLFI उग्रवादियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। इसी दौरान दोनों के बीच फायरिंग शुरू हुई। श्रमिक स्पेशल फ्लाइट से 174 मजदूर पहली बार पहुंचे झारखंड।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहल पर हवाई जहाज से अपने राज्य के प्रवासी मजदूरों को रांची लाया गया। सभी को सड़क मार्गों से उनके घर भेज दिया गया। 28 मई की सुबह 8:30 बजे रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पहुंचा। कुछ मजदूरों ने बताया कि हवाई यात्रा किसी सपने के साकार होने के सपना जैसा था। युवा उपन्यासकार नीलोत्पल मृणाल की कृति डार्क हस पर बॉलीवुड फिल्म बनेगी। युवा उपन्यासकार नीलोत्पल मृणाल की कृति डार्क हाउस पर फिल्म बनेगी। इस बात की जानकारी खुद नीलोत्पल ने अपने फेसबुक के जरिए दी। उन्होंने फेसबुक पर लिखा कि साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत उनके पहले उपन्यासकार डार्क हाउस पर बॉलीवुड की एक प्रतिष्ठित फिल्म निर्माता कंपनी द्वारा फिल्म निर्माण का काम शुरू कर दिया गया है। 10वीं जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप सिमडेगा में 1 अक्टूबर-नवंबर में। हॉकी इंडिया के बोर्ड की बैठक में सिमडेगा में हॉकी इंडिया द्वारा आयोजित 10वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप 2020 के आयोजन कराने के प्रस्ताव को पारित किया गया। 28 मई दिल्ली में 72वीं हॉकी इंडिया की बैठक ऑनलाइन हुई, जिसमें हॉकी आयोजन स्थल एवं आयोजन तिथि को पारित किया गया। इस बैठक में 10वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियन 2020 को सिमडेगा में कराने के प्रस्ताव पर पारित किया गया। टाटा मोटर्स को खोलने की अनुमति नहीं, बाबूलाल ने लिखे पत्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लॉकडाउन के दौरान औद्योगिक गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति दी है, परंतु शहरी क्षेत्र का हवाला देते हुए टाटा मोटर्स में उत्पादन शुरू करने की अनुमति नहीं दी है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने पत्र लिखकर कंपनी को खोलने की इजाज़त देने की बात कही है। हिंद पीढ़ी से बैरिकेड हटी, रांची के हिंद पीढ़ी के कई कंटेनमेंट जोन में ढील दी गई। मौजादीन नगर, निजाम नगर, छोटा तालाब, नूर नगर का इलाका को अब कंटेनमेंट जोन से बाहर किया गया। इन इलाकों की बैरिकेड हटा ली गई। बैरिकेड हटाने से स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। कई लोगों ने फूल माला के साथ पुलिस का स्वागत किया। स्पेशल ट्रेन पहली बार पहुंची लोहरदगा। अगरतला से श्रमिकों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहली बार लोहरदगा पहुंची। लोहरदगा स्टेशन पर इन ट्रेनों से लोहरदगा के 362 मजदूर तथा गुमला के 535 और लातेहार के 12 थे। सभी को जांच के बाद उनके गृह जिला बसों द्वारा भेजा गया। गढ़वा सदर अस्पताल के जिला लेखा प्रबंधन की संदिग्ध अवस्था में मृत्यु। गढ़वा सदर अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मी की मौत संदिग्ध अवस्था में हो गई। वे रांची जिला के रहने वाले थे और गढ़वा सदर अस्पताल में जिला लेखा प्रबंधक के पद पर कार्यरत थे। उधर गढ़वा में नगर उटारी थाना क्षेत्र के निवासी मजदूर जो सूरत से घर लौट रहा था, उसकी मृत्यु रास्ते में ही हो गई। सरायकेला में 31,617 मजदूर को मनरेगा में मिला काम। लॉकडाउन के कारण मजदूर शहर छोड़कर वापस अपने गांव आ रहे हैं, ऐसे में उन्हें गांवों में ही मनरेगा के तहत काम भी मिल रहा है। सरायकेला प्रशासन द्वारा जिला में 38,905 लोगों ने काम की मांग की थी, जिसमें से 31,617 मजदूरों को मनरेगा रोजगार मिला है। हम आपको बता दें कि मनरेगा के तहत कुल 129 योजनाएँ जिला में चल रही है। कोडारमा में संक्रमण बचाव को लेकर 31 को गायत्री महायज्ञ। झुमरी तिलैया गायत्री शक्तिपीठ के ट्रस्ट ने बताया कि दुनिया भर के 106 देशों में 10 लाख घरों में एक साथ सुबह 9 से 12 बजे तक यज्ञ संपन्न कराने की एडवाइजरी जारी की गई है। यज्ञ के समय गायत्री मंत्र के साथ 24 और महामृत्युंजय मंत्र के साथ 5 बार आहुति देनी है। हजारीबाग सांसद ने रेलवे मंत्री से झारखंड के लिए ट्रेनों की संख्या बढ़ोतरी के की अपील। हजारीबाग के सांसद सह पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने रेल मंत्री पीयूष गोयल को मेल कर झारखंड में स्पेशल ट्रेन को बढ़ाने की अपील की। उन्होंने अपील में आगामी 1 जून से चलने वाली ट्रेनों की संख्या में बढ़ोतरी की बात रखी है। झारखंड उत्पाद विभाग में 826 पदों पर नियुक्ति जल्द। झारखंड के विद्यार्थियों के लिए सुनहरा अवसर प्राप्त होने वाला है। उत्पाद विभाग में 826 रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विभागीय मंत्री जगन्नाथ महतो ने रिक्त पदों को भरने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आग्रह किया है। उन्होंने बताया कि विभाग में वर्षों से भारी संख्या में पद रिक्त हैं, जिससे सरकार को राजस्व वसूली में परेशानी होती है। उन्होंने बताया कि विभाग के पास कुल 1,062 पद है, जिसमें से 236 पदों पर नियुक्ति हुई है। शेष 826 पद पर नियुक्तियां जल्द की जाएगी।
मैट्रिक इंटर कॉपी जांच में नंबर देने में कोताही न बरते। मैट्रिक इंटर कॉपी जांच गुरुवार से शुरू हुआ है। दुमका स्कूल के प्रसाल में मूल्यांकन से पहले परीक्षकों को शिक्षकों को संबोधन करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी पूनम कुमारी ने कहा कि सभी परीक्षक जज की कुर्सी पर बैठे हैं और बच्चे के भविष्य के निर्माता हैं, इसलिए मूल्यांकन कार्य स्वच्छ मन से करें और नंबर देने में कोताही न बरते। ढुल्लू महतो को मिला जमानत, 10,000 सीएम राहत कोष में जमा करने का निर्देश। बागमारा के भाजपा विधायक ढुल्लू महतो को अदालत ने जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया है। अदालत ने महतो को जमानत पर छोड़ने का शर्त यह रखा कि विधायक ढुल्लू 10,000 रुपये मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करेंगे। हर गरीब मजदूर को देंगे रोजगार, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विश्वास जताया है कि झारखंड के लोग और झारखंड शीघ्र ही अपने पैर पर खड़ा होगा। उन्होंने एक बार फिर हर गरीब व मजदूर को रोजगार देने की बात दोहराई और कहा कि सरकार इस बात पर होमवर्क कर रही है, बहुत ही जल्द नतीजे पर पहुंचेंगे, संसाधन जुटाने पर हमारा जोर है। उक्त बातें मुख्यमंत्री ने प्रोजेक्ट भवन में कही। मजदूर 3 जून तक वापसी के लिए पंजीकरण करा सकेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा राज्य में 4.5 लाख प्रवासी मजदूरों को झारखंड वापस लाया गया। ऐसे मजदूर जो घर लौटना चाहते हैं उन्हें पंजीकरण कराना अनिवार्य है ताकि उन्हें रोजगार मिल सके। सरकार ने एक बार फिर प्रवासी श्रमिकों को 3 जून तक रजिस्ट्रेशन का अवसर दी। दाल भात केंद्र के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा मेयर। मेयर आशा लकड़ा ने दाल भात केंद्र का निरीक्षण कर बताया कि गोंदा थाना में गैस सिलेंडर सील बंद है और चावल चूहा खा रहे हैं, फिर भी गोंदा थाना के अनुसार आसपास की बस्तियों में जरूरतमंद लोगों को खाना दिया जा रहा है। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल का बेल आइकन दबाइए। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर शेयर करें और आप हमें कॉमेंट में अपना राय अवश्य दें। थैंक यू।